अगस्त से 15 अगस्त तक का जो फ्री ओपीडी है मेरा सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होगा और फिर शाम को 4 से 7 बजे तक। टीटी गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यही रहेगा कि माँ बच्चा दोनों स्वस्थ यहीं से अच्छे से निकले। यहाँ 24 आवर अवेलेबिलिटी रहेगी हर चीज़ की, ओपीडी भी, इमरजेंसी भी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ 24 आवर देख पाएँ। और इस हॉस्पिटल को में सारी सुविधाएं हमने दी हुई हैं। एक्चुअली अब मैं और मेरी मिसेज डॉक्टर अंतरा सिंह, हम लोगों ने एक अपना हॉस्पिटल खोला यहाँ पे विजय हाता महावीरी स्कूल के पास है। पहले मैडम पुरानी किला में वो रिलायंस डिजिटल के सामने न्यू सिवान नर्सिंग होम करके था, जहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रही थी पिछले 4 साल से। और मैं चंद्रज्योति हॉस्पिटल में था। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने अपना हॉस्पिटल जो डाला है यहाँ 24 आवर अवेलेबिलिटी रहेगी हर चीज़ की, ओपीडी भी, इमरजेंसी भी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ 24 आवर देख पाएँ। और इस हॉस्पिटल को में सारी सुविधाएं हमने दी हुई हैं, तो सारी सुविधाओं के साथ एक अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है कि अब हम जो अपना जो पुराना एड्रेस था उसको चेंज करके अब हम लोग 24 आवर यहीं पे रहेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आके हमारे हॉस्पिटल का थोड़ा शोभा बढ़ा दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू। हॉस्पिटल कहाँ पे खुला है और क्या कुछ नाम है? आपका लगता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल देखा आपसे, यहाँ पे लोग आके आप पे भरोसा क्यों करेंगे? लेकिन कई तरह की सुनने को मिलता है कि अस्पताल में तोड़ फोड़ हो गया, डॉक्टर का सही इलाज समय पे नहीं हुआ, तो ये चीज को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मेरे हॉस्पिटल का नाम गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो विजय हाता मेन रोड है महावीरी के पास, वहाँ स्थित है। और आपने जो दूसरा चीज़ पूछा कि लोग भरोसा क्यों करें, तो हम अपना जो सर्विसेज हैं सिवान में पिछले 5 साल से देते आ रहे हैं और लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा मतलब सर उठा के तो ये बोल पाएंगे कि कभी भी हमने कभी मिस डायग्नोसिस नहीं किया है, कभी इल ट्रीट नहीं किया है पेशेंट्स को। और पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि हम अपना एफर्ट देते हैं, पूरी ईमानदारी से एफर्ट देते हैं। तो हमारा काम तो यही है, भगवान तो हम हैं नहीं, लेकिन हाँ हमारा काम है ईमानदारी से एफर्ट देना और मरीज को खुश करना, मरीज को ठीक करना, तो वो हम करते हैं। और रही बात तोड़ फोड़ की, तो वो देखिए वो तो पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अगर लिबर्टी मिलेगी किसी भी, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैडम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी डॉक्टर्स के बारे में बोल रहा हूँ, उनको लिबर्टी मिलेगी कि उनको अच्छे से ट्रीटमेंट की फ्रीडम दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि सिवान में कुछ नहीं हो सकता। सिवान में सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है और अच्छे से हो सकता है, लेकिन उसमें पेशेंट्स का भी और उनके पेशेंट अटेंडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप डॉक्टर को फ्री हैंड देते हैं या नहीं देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने साइड से पेशेंट का नुकसान तो कोई डॉक्टर नहीं चाहता है, हम बस क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि पेशेंट का ज़्यादा नुकसान नहीं हो फाइनेंशियली, और एक अच्छे कम रेट्स में जो मिनिमम रेट्स हैं उसमें अच्छे से तरीके से इलाज हो। जितना सिवान एक 3-4 tier सिटीज़ में जितना हो सकता है, हम उन सारी सुविधाओं का ध्यान में रख के हमने एक अपना एक सेटअप डाला हुआ है और यहाँ हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। कोई गरीब मरीज आ गया, उसके बाद पैसा नहीं है, क्या उसका इलाज उचित रेट पे होगा? उचित रेट पे क्या, हम तो फ्री भी करते हैं। हाँ, उचित रेट तो फिर भी मतलब एक उचित तो बताना बड़ा मुश्किल है कि उचित क्या है। हाँ, हो सकता है मेरे लिए उचित कुछ कम हो, किसी और के लिए उचित कुछ ज़्यादा हो, हम तो फ्री में भी करते हैं। हाँ, जितना कुछ अपने साइड से, अब हमारा काम है ट्रीट करना, हम तो ट्रीटमेंट तो फ्री में कर सकते हैं, उसमें तो मेरा कुछ नहीं जाता है। जो खर्चा लगता है पेशेंट्स का दवा में, टेस्ट में, अब उसमें लागत लगती है, जिसकी भी लगती है, जो दवा वाले हैं उनका लागत लगता है, जो टेस्ट वाले हैं उनका लागत लगता है, तो वो जो फाइनेंसेज लगते हैं वो पेशेंट से लिया जाता है। लेकिन मेरा अगर मुझे अगर पेशेंट देख लेना है तो मैं तो फ्री में भी देखता रहता हूँ। तो रोज़ की हमारी कुछ ओपीडीज होती हैं जो फ्री होते हैं, 24 घंटा सेवा ओपीडी के लिए भी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीरियस ओपीडी है उसके लिए भी, और इमरजेंसी तो 24 घंटा है ही, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो पेशेंट्स को मतलब 5 मिनट का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। यही सुविधा देना चाहते थे कि हमने वहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पे। सर, सिवान वासियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोग गायनोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और ऑब्स गायनी का डिपार्टमेंट जो है वो आपके लिए एकदम
कम रेट में, इकोनॉमिकल रेट में, फ्री में भी जो मरीज़ आएंगे वो लोग आके दिखा सकते हैं। 7 अगस्त से 15 अगस्त तक मेरा फ्री ओपीडी है। औरत लोग बहुत झिझकते हैं कि नहीं आना चाहते कि फ़ीस देना पड़ेगा, नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। तो उन लोगों के लिए, सबके लिए हैं कि जो लोग मतलब फ्री में दिखाना चाहते हैं वो लोग यहाँ आइए, दिखाइए। 7 से 15 अगस्त मेरा फ्री ओपीडी है। और इसके साथ साथ जो भी उनका कोई भी दिक्कत होगा, चाहे गायनोकोलॉजिकल हो, चाहे ऑब्स्ट्रेक्टिक्स हो, नॉर्मल डिलीवरी का, सब लोग यहाँ पे यही कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी कराना है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी तभी होगा जब माँ और बच्चा दोनों ठीक रहें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग गायनी और ऑब्स के ऑब्स्ट्रेक्टिशियंस को यही बोला जाता है कि प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग कैसे भी करके नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए, पर उस क्षेत्र में ऐसा होता है कि माँ या बच्चा दोनों का किसी का खराबी, या माँ ये हो जाता है, स्थिति ऐसा हो जाता है कि हाँ माँ का खराबी हो सकता है या बच्चे का हो सकता है कि बच्चा ख़राब निकले। तो मल्टी स्पेशलिटी, गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यही रहेगा कि माँ बच्चा दोनों स्वस्थ यहीं से अच्छे से निकले।